इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। भारत के वजीर आजम जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दौरे करने के लिए माहिर हैं, शायद ही कोई मुल्क बचा होगा जहां तक वजीर आजम न पहुंचे हो। अब जब चीन के साथ भारत के ताल्लुकात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भारत के 20 से भी ज्यादा फौजियों को चीन ने मारा है, यकीनन भारतीय फौजियों की शहादत जाया नहीं जाएगी। पूरा मुल्क आज हुकूमत के साथ है, आज एकजुट है। कहा यह भी जा रहा है कि पिछले 45 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। सवाल यह भी उठाना लाजमी हुआ है कि आखिर 6 साल में 18 मुलाकात चीन के साथ करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी क्या बात कही, और यही बात कांग्रेस आज उठा रही है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर तो जाते हैं पर तफसीलात पेश नहीं करते। आखिर क्या बात हुई, किन मुद्दों पर बात हुई, इसकी कोई तफसीलात पेश नहीं किए जाते। पिछले साल अक्टूबर में चीन के सदर शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे तो साउथ इंडियन लिबास से लेकर झूला झूलने तक प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। केरला के मल्लापुरम में मोदी साहब ने इनका इस्तकबाल बड़े बेहतरीन अंदाज में किया था। मशहूर हाथियों का भी नजारा चीन के सदर शी जिनपिंग को कराया था। इस वक्त ड्रैगन और हाथी को मिलकर रक्स करना चाहिए और यही बेहतर इख्तियार है। और यह 18वीं बार मिलना था दोनों कायदों के बीच। सबसे पहली मुलाकात साल 2014 के जुलाई महीने में हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने भारी अक्सरियत से लोकसभा के चुनाव जीते थे और उस वक्त गुजरात के वजीर आला रहे यानी कि मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने थे। जब 2013 में वजीर आजम ब्राजील के ब्रिक्स इजलास में पहुंचे तब लद्दाख में चीन के फौजी घुस चुके थे और यह तनाव भी 3 हफ्ते तक रहा। पिछले 2 महीने से वैसे तनाव का माहौल जारी ही था। कहा यह भी जाता है कि सरहदों पर तनाव के चलते छोटी मोटी झड़पें जारी रहती है, पर जो जुरत अब चीन ने की है इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, सवाल तो दोनों तरफ उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसे मुश्किल दौर में सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 4 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से पूछे सवाल। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ट्वीट पर राजनाथ सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने पूछा है, आपने अपने ट्वीट में चीन का नाम नहीं लिखकर भारतीय सेना का अपमान क्यों किया है? आज वजीर आजम मोदी ने मौन रखकर खराज तहसीन पेश की तो इस पर भी पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपको शहीद फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 2 दिन क्यों लगे इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कि मरकजी हुकूमत को भारत चीन सरहद पर जो हो रहा है इसकी खबर नहीं थी। ऐसा नहीं है, पिछले कुछ दिनों से चल रहे तशद्दुद के तमाम तफसीलात होने के बावजूद भी मोदी हुकूमत यानी भाजपा के बड़े कायद यानी मोदी अमित शाह सियासी रैलियों को इजलासों में मसरूफ थे, सियासी रैलियों को ये मुखातिब हो रहे थे। मोदी हुकूमत से सवाल किया जा रहा है कि सरकार कोई भी बयान देने से आखिर छिप क्यों रही है और मीडिया में जवानों की शहादत को बदनाम किया जा रहा है। सवाल सरकार हुकूमत से पूछने की बजाय मीडिया फौजियों पर सवाल खड़े किए जा रही और यह बहुत बहुत शर्मनाक है। यानी बहादुर फौजियों की ना अहली तक कहा जाना, यानी कि बहादुर फौजियों को ना अहल तक कहा जाना, ये किस कहां हम आ चुके हैं, कैसी सियासत खेली जा रही है। आज तक की अंजना कश्यप कहती है कि फौजियों की सुस्ती से चीन भारत में दाखिल हुआ है। कहने का मतलब सरकार की नाकामी और हुकूमत की चापलूसी में फौजियों की कुर्बानी यानी शहादत के लहू तक को बदनाम किया जा रहा है। भारत की खारजी ताल्लुकात यानी विदेश नीति गलत कहने की हिम्मत गोदी मीडिया में नहीं है और ना होने की वजह से सवाल फौजियों की काबिलियत पर खड़ा किया जा रहा है। एबीपी की रूबिका तो एक बार फिर पिछली सरकार यानी कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है ठहराने का राग अलाप रही है। चुनाव के चलते सरहदों पर तशद्दुद पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कहे तो यह भी रहे हैं, देखो सरहद पर तनाव है, कहीं देश में चुनाव तो नहीं। तमाम सवाल अपनी जगह पर है पर कटघरे में मोदी हुकूमत को खड़ा करने के बजाय अपने घरदार बीवी बच्चों से हजारों किलोमीटर की ऊंचाइयों पर
ठंडी सफेद बर्फीली पहाड़ों को अपने लहू से सुर्ख कर देश की हिफाजत करते करते अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों की काबिलियत पर सवाल यकीनन शर्मनाक है और अफसोसनाक ही कह सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।